30 जनवरी 1948 की शाम, स्थान बिरला भवन, दिल्ली। नाथू राम गोडसे आया और उसने गांधी को 3 गोली मार दी। गांधी हत्याकांड का इतिहास क्या केवल इतना ही है? ये तो वो इतिहास है जो हमें बताया जाता है, लेकिन क्या यही सत्य है? वास्तव में गांधी की हत्या के बहुत पहले से ऐसी घटनाएं हो रही थीं, जिनकी परिणति वो 3 गोलियां थीं। लेकिन स्वतंत्रता के बाद लिखे गए इतिहास में उन सभी को छिपा लिया गया। अब इसी विषय पर एक पुस्तक आई है जिसका नाम है हे राम, गांधी हत्याकांड की प्रामाणिक पड़ताल। इस पुस्तक में गांधी हत्याकांड से पहले की घटनाक्रम की गहनता से जांच की गई है। ढेरों बिखरी हुई कड़ियों को आपस में जोड़ा गया है और इसके बाद जो सच सामने आता है वो हिलाकर रख देने वाला है। गांधी की हत्या की पृष्ठभूमि में कई कारण हैं। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग, सांप्रदायिक दंगे, देश का विनाशकारी विभाजन, लूटे पिटे शरणार्थियों की समस्या, गांधी द्वारा मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा, पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के लिए गांधी का हठ, हिंदुओं के मन में पैदा उपेक्षा और क्षोभ का भाव, सत्ता और शक्ति के लिए कांग्रेस नेताओं में फूट, ऐसी घटनाएं दिखाई देती हैं। गोडसे की 3 गोलियों की तरह ये घटनाएं भी गांधी की हत्या के लिए उतनी ही उत्तरदायी हैं। आश्चर्य है कि इन पर कोई बात नहीं होती। गांधी कहते थे, पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, लेकिन जब विभाजन पर मुहर लगी तो वो भी चुप्पी साध गए। विभाजन के विरुद्ध कोई आमरण अनशन या आंदोलन नहीं किया। हे राम पुस्तक में इस मुद्दे पर तथ्यों के साथ चर्चा की गई है। राष्ट्रवादी विचारक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ लिखते हैं, गांधी पर अब तक जितना भी लिखा गया एक तरफा ही लिखा और सुनाया गया, जैसे गांधी राम और सीता से बढ़कर हैं। मां सीता के चरित्र पर सवाल कर सकने की आजादी है, राम पर सवाल कर सकते हैं, लेकिन गांधी पर किसी तरह का सवाल उठाना तो दूर, सोचने तक की अनुमति नहीं है। प्रखर श्रीवास्तव ने इतिहास में दर्ज उन पन्नों से धूल हटाई है जिन्हें नई पीढ़ी से छुपा कर रखा गया। पुस्तक हे राम में गांधी के व्यक्तित्व का वो पहलू सामने आया है जिस पर कभी बात नहीं होती। पाकिस्तान से आए लुटे पिटे हिंदू शरणार्थियों के साथ गांधी ने जो सौतेला व्यवहार किया था उसकी परतें इस पुस्तक में खोली गई हैं। उस कालखंड में अपने ही देश में शरणार्थी बने हिंदुओं के साथ क्या हो रहा था, इसे पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। महान इतिहासकार और पद्मश्री से सम्मानित मीनाक्षी जैन ने कहा है कि ये पुस्तक सिर्फ गांधी और गोडसे की कहानी नहीं बल्कि एक प्रामाणिक ऐतिहासिक दस्तावेज है जो गांधी हत्याकांड के साथ साथ उस दौर में हो रही घटनाओं का पर्दाफाश करता है। ध्यान रहे, ये आज से पहले कभी सामने नहीं आया है। शरणार्थियों के दर्द, मुस्लिम तुष्टीकरण और देश के विभाजन के गुनाहगारों के पूरे सच को जानने के लिए इस पुस्तक को पढ़ा जाना चाहिए। पुस्तक में कलकत्ता के डायरेक्ट एक्शन डे, नोआखली में हिंदुओं के नरसंहार और गांधी हत्याकांड के बाद गांधीवादियों द्वारा ब्राह्मण नरसंहार पर इतना मार्मिक वर्णन है कि हर हिंदू का खून खौल जाएगा। गांधी के अंतिम दिनों में उनके विरुद्ध जनाक्रोश चरम पर और लोकप्रियता सबसे निचले पायदान पर थी। भारत की जनता को समझ में आ चुका था कि गांधी न केवल देश का विभाजन रोकने में असफल रहे हैं बल्कि उनकी अहिंसा की नीति रक्तपात को रोकने में फेल साबित हुई। हे राम में
पूरे तथ्यों के साथ बताया गया है कि गांधी की मुस्लिम तुष्टिकरण की नीतियों से न केवल सामान्य जनता बल्कि उनके सबसे विश्वस्त लोग भी नाराज रहने लगे थे। सरदार पटेल ने मुंह पर ही कह दिया था कि गांधी हिंदुओं के मुंह पर कालिख पोतना चाहते हैं। गांधी के बेटे रामदास गांधी ने उन्हें एक पत्र लिखकर उन्हें हिंदुओं के लिए अभिशाप बताया था। अमेरिकी लेखक, पत्रकार और गांधी के करीबी लुई फिशर के मुताबिक गांधी को मिलने वाली चिट्ठियों में से 90% गालियों और घृणा से भरी होती थी। इसके बावजूद कांग्रेसी नेताओं और वामपंथी इतिहासकारों के गिरोह ने गांधी हत्याकांड का प्रयोग हिंदुओं को दबाने और कलंकित करने के लिए किया। गांधी की हत्या को बहाना बनाकर हिंदूवादी संगठनों और नेताओं को पूरी सरकारी ताकत से कुचला गया। ये पुस्तक नाथूराम गोडसे की जिंदगी के अनछुए पहलू और उनकी मानसिकता को भी सामने लाती है। इसके अनुसार शिमला हाईकोर्ट में जब गोडसे को पेश किया गया तो उसने स्वेटर नहीं पहना था। शिमला के संभ्रांत घरों की महिलाओं ने उसके लिए स्वेटर बुनकर भेजे। इस बात की पुष्टि स्वयं मौलाना आजाद ने भी की है। केस की सुनवाई कर रहे जस्टिस जीडी खोसला ने लिखा है कि गोडसे के बयान को सुनने के बाद अनेक महिलाओं और पुरुषों की आंखें भीगी थीं। हेराम किसी इतिहासकार की लिखी अकादमिक किस्म की रचना नहीं, बल्कि ये एक पत्रकार द्वारा की गई जांच है। इसे पढ़ते हुए आप अनेक रोमांचक विवरणों से गुजरते हैं। ये पुस्तक केवल इतिहास ही नहीं बल्कि वर्तमान में हो रही घटनाओं का संदर्भ भी स्पष्ट करती है। गांधी हत्याकांड की परिस्थितियों की तह तक पहुंचने के लिए लेखक प्रखर श्रीवास्तव ने पूरे 17 साल तक रिसर्च किया है। पुलिस की हर छोटी बड़ी जांच रिपोर्ट, केस डायरी, गवाहों के वक्तव्य और न्यायालय की कार्रवाई से जुड़े हजारों पन्नों का बहुत ही बारीकी से अध्ययन किया। जनसभा प्रकाशन की पुस्तक हेराम हर भारतीय को पढ़नी चाहिए। इस पुस्तक के खुलासों पर परिवारों, मित्रों और समाज में चर्चा करें ताकि लोग जान सकें कि इतिहास के नाम पर भारतीयों के साथ कितना बड़ा छल किया गया। पुस्तक खरीदने के लिए